तो ऑपरेशन आदमखोर लगातार जारी है। आपको पॉइंटर्स के जरिए सबसे पहले बता देते हैं कि बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक देखने को मिल रहा है, खौफ लगातार जारी है। इसके अलावा 35 गांव ऐसे हैं जहां ग्रामीण डर के साय में जी रहे हैं। सबसे ज्यादा लोगों को शिकार इन भेड़ियों ने इन 35 गांव में ही बनाया है। भेड़ियों के खौफ में करीब 80,000 ग्रामीण जीने को मजबूर है। इसके अलावा भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग एक्टिव है, अलर्ट मोड पर है, पिंजरे लगाए जा रहे हैं और तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, वन विभाग ने अब तक 4 भेड़ियों को पकड़ लिया है। झुंड में 6 भेड़िए बताए जा रहे थे, लेकिन 2 भेड़िए अभी भी बाकी हैं जिनको पकड़ा नहीं जा चुका है और उनकी तलाश वन विभाग कर रहा है। भेड़ियों का लंगड़ा लीडर अभी भी वन विभाग की पकड़ से बाहर बताया जा रहा है। लंगड़ा भले ही है लेकिन बहुत चलाक है और कई लोगों को अपना निशाना बना चुका है। भेड़ियों को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए जा रहे हैं, तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, अलग अलग पॉइंट्स बनाए गए हैं, टीम तैनात कर दी गई है और कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द इन बचे 2 भेड़ियों को भी पकड़ा जा सके। अब आपको तस्वीरों के जरिए जरा दिखाते हैं कि वहां पर क्या कुछ हालात अब बने हुए हैं। आदमखोर से बचने के लिए आतिशबाजी की जा रही है। दिवाली दूर है लेकिन आतिशबाजी अभी इसीलिए क्योंकि ये एक तरीका है जिससे उन्हें भगाया जा सके या जो इलाके हैं रिहायशी उनसे दूर रखा जा सके। ये देखिए, बम पटाखे फोड़े जा रहे हैं, आतिशबाजी की जा रही है और ये इस वजह से की जा रही है क्योंकि कल रात हम लगातार आपको अपडेट बता रहे हैं, आहट ऐसी हुई कि कोई जंगली जानवर है, वो भेड़िया था या कोई और जानवर था, इसकी जानकारी अब तक नहीं लग पाई है। लेकिन ये तमाम प्रयास अपनाए जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि जो बचे हुए 2 भेड़िए हैं उनको भी जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। लगातार हमारे सहयोगी राघवेंद्र भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, आप तक पल पल का अपडेट पहुंचा रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ आगे ऑपरेशन में कदम उठाए जाएंगे वन विभाग की तरफ से, आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए सर्च ऑपरेशन जारी है। स्थानीय यहाँ पे यहाँ के जो फॉरेस्ट रेंजर हैं मोहम्मद साकिब, वह आए हैं अपने अपने यूनिट्स के साथ आए हैं और ये देखिए ये बॉम्बिंग की जा रही है जिससे कि गांव वाले सतर्क हो जाएं, जो भेड़िया है वह इंसानों की बस्ती से दूर भाग जाए। देख लीजिए बहुत ही खतरनाक आवाज़, बहुत ही खतरनाक यहाँ पर ये साउंड दिया गया कि ये लाइव तस्वीरें रिपब्लिक भारत आपको दिखा रहा है। यहाँ पर जिस तरह से वन विभाग यहाँ पर काम कर रहा है सर्च ऑपरेशन, लगातार खूंखार भेड़िया लंगड़ा भेड़िया को पकड़ने के लिए जारी है। और कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो ग्राउंड से सामने आई हैं क्योंकि बहराइच में भेड़ियों की तलाश लगातार की जा रही है। ये तस्वीरें जरा देखिए, एक तरफ जहां आतिशबाजी की जा रही है, बम फोड़े जा रहे हैं, दूसरी ओर देखिए हाथों में डंडे लिए किस तरीके से गांव वाले ग्रामीण भागते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि आहट सुनाई दी। और बार बार जो खबरें आ रही हैं, चाहे अटैक की खबरें हो, वन विभाग के जो कर्मी हैं वो भी अलग अलग पॉइंट्स पर तैनात हैं, तो ऐसे में डंडे लिए हाथों में ये गांव वाले भागते दिखाई दे रहे हैं, किसी जानवर के पीछे भाग रहे हैं। हालांकि पहचान नहीं हो पाई थी, ये जानकारी नहीं मिल पाई थी कि वो कौन सा जानवर है, लेकिन क्योंकि खौफ इतना है, 45 लोग अब तक जख्मी हो चुके हैं, 9 लोगों की जान चली गई है, ज़्यादातर इसमें बच्चे हैं, एक महिला की भी मौत हो गई है। ऐसे में ये तस्वीर आप देख रहे हैं कैसे नरभक्षी के पीछे ग्रामीण भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आगे बढ़ते हुए आपको एक और रिपोर्ट दिखाते हैं जहां पर ये ग्रामीण भागते हुए नरभक्षी के पीछे दिखाई दिए, क्या कुछ उनकी तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और कैसे खौफ में दिखाई दे रहे हैं, देखिए। खूंखार जो आदमखोर भेड़िया लंगड़ा भेड़िया है उसके सर्च में रिपब्लिक भारत की टीम अकेले रात में इस गांव में निकली थी और वो आप लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये लाइव तस्वीरें हैं ग्रामीण किस तरह से सर्च कर रहे हैं। शायद इनको कुछ इनपुट्स मिला है, लगातार सबके हाथों में ये टार्च है और बोल रहे हैं कि पकड़ो पकड़ो, और देखिए लाठी भी लिए हैं, तरह तरह की अपने देहाती हथियार भी बनाए हैं, औजार भी बनाए हैं। तो इस तरह की चीज़ें लगातार, चूँकि अभी इनपुट्स भी मिला था कि इसी कुलेला गांव में कुछ भेड़िए या कुछ सीआर की जानकारी मिली थी, यहां पर अभी फॉरेस्ट रेंजर भी 2-2 आए थे अपने टीम के साथ। और इसी गांव में आप देख लीजिए कि खुद ग्रामीण इस समय सक्रिय हैं, देख लीजिए किस तरह से जागरूकता फैला रहे हैं, किस तरह का माहौल है, किस तरह का आतंक है, किस तरह का डर है।
तो ये रिपोर्ट आपको दिखा रहे थे या पॉइंटर्स के जरिए एक बार फिर से आपको समझा देते हैं कि क्या कुछ हालात वहां पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इन आदमखोरों की दहशत लगातार देखने को मिल रही है। बहराइच की बात करें तो अब तक 16 टीमें तैनात कर दी गई हैं और 16 टीमों के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। रेस्क्यू में कई वन विभाग के कर्मचारी शामिल बताए जा रहे हैं। अलग अलग पॉइंट्स बनाकर उनकी तैनाती कर दी गई है और वो निगरानी भी लगातार रख रहे हैं। इतना ही नहीं, आगे बढ़ते हुए आपको बता देते हैं कि इसके अलावा आतिशबाजी की जा रही है। 200 से ज्यादा कर्मचारी तैनात कर दिए गए हैं और 24 घंटे वो निगरानी रख रहे हैं। 3 फॉरेस्ट अफसर भी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं, वो भी लगातार निगरानी बनाए हुए हैं और कोशिश रही कि जल्द से जल्द सफलता हासिल हो जाए। इसके अलावा ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। कुछ ड्रोन की तस्वीरें भी सामने आई। 80,000 लोग सहमे हुए हैं, 80,000 ग्रामीण डरे हुए हैं। 4 भेड़िए अब तक पकड़ में आ चुके हैं, लेकिन क्योंकि झुंड में 6 भेड़िए बताए जा रहे थे तो 2 भेड़ियों की तलाश अभी भी जारी बताई जा रही है। 9 लोगों को ये भेड़िए शिकार बना चुके हैं, 45 लोग जख्मी हो गए, 45 लोगों को ये घायल कर चुके हैं। 4 पिंजरे लगाए गए हैं। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द जो बचे हुए 2 भेड़िए हैं उनको भी पकड़ा जा सके। और इस वजह से अलग अलग जगहों पर पॉइंट बनाए गए हैं और कोशिश की जा रही है कि इनको पकड़ा जा सके। वन विभाग सतर्क दिखाई दे रहा है, ड्रोन की नजर रखी जा रही है। अब आपको बता देते हैं कि कब से ये जो आतंक है वो शुरू हुआ, क्योंकि 1.5 महीने हो गए हैं जब से इन भेड़ियों का आतंक देखने को मिल रहा है। सबसे पहले खबर 10 मार्च की, जब 3 साल के एक बच्चे को निशाना बनाया, 3 साल के बच्चे को इन भेड़ियों ने अपना निवाला बना लिया। इसके बाद 23 मार्च 1.5 साल के बच्चे का शिकार किया, जिसके बाद लोग और भी ज्यादा खौफजदा हो गए। 17 जुलाई को एक महिला पर भेड़िए का हमला, क्योंकि 9 लोगों की मौत और उसमें एक महिला भी शामिल बताई जा रही है। 17 जुलाई से अब तक 6 बच्चों को ये भेड़िए अपने साथ उठाकर ले गए, क्योंकि बच्चे इजी टारगेट हैं, इसलिए रात के समय में अंधेरे में बच्चों पर ये अटैक कर रहे हैं। 3 अगस्त वन विभाग ने एक भेड़ियों को दबोच लिया। सबसे पहली सफलता 3 अगस्त को हाथ लगी। इसके बाद 28 अगस्त, क्योंकि फिर वन विभाग लगातार निगरानी रख रहा है, तब से ही 2 भेड़ियों को पिंजरे में कैद कर दिया। ऐसे में 3 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं। अब आपको एक बार फिर से तस्वीरें दिखा देते हैं और बताते हैं कि ऑपरेशन आदमखोर किस तरीके से चलाया जा रहा है और क्या कुछ तस्वीरें सामने आई है गाँव से। बहराइच में वन विभाग का डेरा है, वन विभाग के कर्मी मौके पर ही हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, अवेयरनेस कैंपेन लगाए जा रहे हैं, उन्हें बताए जा रहे हैं कि सावधानी बरती जाए, वो सावधान रहें। कैसे सावधान रह सकते हैं, क्या वो उपाय हैं, क्या वो तरीके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे जन चौपाल लगा है, चौपाल लगा हुआ है, पीछे पोस्टर है। यहाँ वन विभाग की टीम है, पुलिस कर्मी है, रेणु सिंह भी जो वन संरक्षक है वो भी लगातार ग्राउंड पर है, वो दिखाई दे रही हैं, डीएफओ हैं और वो समझा रहे हैं कि कैसे आपको ध्यान रखने की जरूरत है, सावधानी बरतने के निर्देश दिए जा रहे हैं। रात में जगने के लिए कहा जा रहा है, बाहर अकेले ना सोने के लिए कहा जा रहा है, बाहर ना अकेले निकलने के लिए खासतौर पर अंधेरे में रात में कहा जा रहा है। इस पूरे मामले में आपको जानकारी दे दें, डीएफओ अजीत प्रताप सिंह की तरफ से क्या कुछ कहा गया।